मध्य प्रदेश के खरगोन में झरनों, प्रमुख घाटों, तालाबों और पुल के पास अब कोई नहीं ले पाएगा सेल्फी। एडीएम ने सभी सेल्फी पॉइंट पर लगाई धारा 144। इनमें सभी प्रमुख घाट, झरने, पुल, पुलिया और रपट शामिल है। जिले में पहली बार किसी डीएम ने इस तरह का फरमान जारी किया है। खरगोन के सभी प्रमुख घाट, झरनों और जोखिम से भरे स्थानों पर अब कोई भी सेल्फी नहीं ले पाएगा। सेल्फी लेने वालों के खिलाफ लगेगी धारा 144। लगातार जिले में सेल्फी लेने और तस्वीर खींचने के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते कलेक्टर गोपाल चंद्र दाट ने नर्मदा और कुंदा नदी के जिले के सभी प्रमुख घाट, झरना, पुल, पुलिया, तालाब, बांधों के पास धारा 144 लगा दी है। इन सभी स्थानों पर सेल्फी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति सेल्फी लेते पाया गया या सेल्फी लेकर वीडियो या फोटो वायरल करता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्यवाही होगी। संबंधित को जेल भी जाना पड़ सकता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक्चुअली सेल्फी के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम धारा 144 में सेल्फी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो मेजर तालाब है या जहां डूबने की संभावनाएं ज़्यादा है, उन सभी पॉइंट्स पर सेल्फी प्रतिबंधित कर रहे हैं। पूरे जिले में कर रहे हैं, जहां जैसे मेजर घाट्स हैं जहां की एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ रहे हैं, या पुलिया पुल पुलिया है, अथवा सिरवेल महादेव का जैसे झरना स्थल है, ये अपनी दोनों नदियां हैं, इनके किनारों पर सेल्फी प्रतिबंध लगा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफनती